नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर सज धज कर तैयार हो चुका है और आज दर्शकों के लिए कल्चर सेंटर के दरवाजे खोल दिए गए हैं। लॉन्च पर पूरे 3 दिन का ब्लॉकबस्टर शो हो रहा है। इसमें देश विदेश के कलाकारों, बॉलीवुड और हॉलीवुड के हस्तियों के साथ कई अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों के शिरकत करने की उम्मीद है। लॉन्च के एक दिन पहले रामनवमी के शुभ अवसर पर कल्चर सेंटर पहुंचकर नीता अंबानी ने विधिवत मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना भी की है। लॉन्च पर स्वदेश नाम से एक खास कला और शिल्प प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, जो देश द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल सिविलाइजेशन टू नेशन नाम से एक संगीतमय नाटक भी हो रहा है। भारतीय परिधान परंपरा को बताती इंडिया इन फैशन नामक एक परिधान कला प्रदर्शनी यह है। साथ ही भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का दुनिया पर प्रभाव दिखता संगम नामक एक विजुअल आर्ट शो भी हो रहा है। नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर देश का अपनी तरह का पहला सांस्कृतिक केंद्र है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की प्रदर्शनी के लिए इसमें 16,000 वर्ग फुट में फैला एक 4 मंजिला आर्ट हाउस है, जहां 8,700 क्रिस्टल से सजा एक शानदार कमल की थीम वाला झूमर भी है। 2,000 सीटों वाला एक ग्रेट थिएटर है, जिसमें देश का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा पिट बनाया गया है। छोटी प्रदर्शनियों के लिए, कार्यक्रमों के लिए स्टूडियो थिएटर और द क्यूब जैसे शानदार थिएटर हैं। इन सभी में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि आज नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर का उद्घाटन हो चुका है और आज से ये दर्शकों के लिए खोल दिए गए हैं। लॉन्च पर पूरे 3 दिन का ब्लॉकबस्टर शो भी हो रहा है।